बरगी व तवा डैम से निरंतर पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी नर्मदा का जलस्तर 883 फीट तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 885 फीट के ऊपर जाने के बाद बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। उसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क व अलर्ट है। निचली बस्तियों में दल भेजा गया है, उनका सामान व उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। वहीं उनके लिए भोजन एवं कैंप की व्यवस्था भी की गई है। बाढ़ के हालात को देखते हुए नाव गोताखोर होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। रविवार की रात से हो रही क्षेत्र में तेज बारिश के कारण देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट एवं हरदा जिले के हंडिया नर्मदा तट पर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दोनों जिलों के प्रशासन जल भराव की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उधर केंद्रीय जल आयोग इंडिया के प्रभारी जेई सुरेश वर्मा के मुताबिक नर्मदा का जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। उधर जबलपुर के बरंगी बांध के सभी 21 गेट खोल दिए गए हैं। इनमें से 11 गेट 3 मीटर, 4 गेट 2.5 मीटर और 4 गेट 2 मीटर और 2 गेट 0.5 मीटर खोले गए हैं। कई साल बाद डैम के गेट खुलने से निचले इलाकों के डूबने का संकट मंडराने लगा है, जबकि प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर नर्मदा घाटों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। बरगी डैम से 7498 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। देवास जिले में बारिश के चलते 9 सितंबर 2019 सोमवार को कलेक्टर श्रीकांत पांडे ने देवास जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एवं आंगनवाड़ियों के लिए अवकाश घोषित किया है। और बारना तथा तवा डैम से निरंतर पानी छोड़ने के कारण निरंतर पानी का लेवल बढ़ रहा है। अभी लगभग 84 फीट के लगभग हो चुका है। 85 फीट से अधिक होने पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। निचली बस्ती में हमने दल भेज दिया गया है। जो निचली बस्ती में जितने लोग हैं उनको वहाँ से सामान हटाने के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए हमारी ओर से तैयारी चालू की जा चुकी है। ठीक है सर। इधर भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, बीच बीच में नदियाँ का पानी भी मिल रहा है। इस कारण नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब करीब 883.6 के लगभग जलस्तर है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए व्यवस्था लगाई गई है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, नाव वाले मतलब अलर्ट कर दिए हैं। जहाँ भी इस तरह की होगी तुरंत पहुँच करके उसकी सहायता की जाएगी। और जितनी बस्ती में जहाँ पानी की संभावना है वहाँ से सभी को अलर्ट कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया है उनको कहीं बताने के लिए। जी खाली कराया जा रहा है। ठीक है, राहत दल भी तैयार किया गया है और उसके भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। ठीक है, आवश्यक हुआ तो भोजन के कैंप भी लगाया जाएगा। ठीक JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।